आ चुका है, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज फाइनली हम एक बहुत एक फोटोजेनिक प्लेस राउरकेला में ढूंढे हैं जो फिलहाल ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप अच्छा फोटो वगैरह खींच सकते हो। मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो सलमान, सनी देओल और भी बहुत कुछ है। चलिए फोटोशूट फटक से ख़त्म करते हैं, फिर मैं एक अच्छी जगह आप लेके जाने वाला हूँ आज, मस्त कुछ खाने वाले हैं। तो गाइस घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे आए हैं एक आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन ने बहुत इसकी तारीफ़ की थी कि यहाँ पे एक लाइव आइसक्रीम मिलता है बोल के, तो हम लोग वो खाने के लिए आए हैं आज। और मुझे पता नहीं कि क्या लाइव आइसक्रीम क्या होता है, वो सब कैसे बनता है क्या नहीं, तो मैं आज खुद ट्राई करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें। और ये आप पीछे देख सकते हो, अभी हम BSS मार्केट में खड़े हैं और ये आपको आइसक्रीम यहाँ पर मिल जाएगा। साइड में एक तंदूरी चाय का भी स्टॉल है और इसके ठीक बाजू में लाइव आइसक्रीम हो रहा है। लेट्स ट्राई इट आउट। तो गाइस हम एक लाइव डेमो देखने वाले हैं कि कैसे ये आइसक्रीम बनने वाला है, तो पहले भाई से थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्रो आपका नाम? सुनील कुमार सर। सुनील, तो सुनील सबसे फेवरेट लोगों का क्या है यहाँ पे जो ज़्यादा डिमांड में है? लोग तो ज़्यादा ढूंढते हैं ओरियो रेड वेलवेट। ओके, ओरियो बटर स्कॉच ओके वगैरह वगैरह। तो अभी आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ ओरियो रेड वेलवेट। ओके ठीक है, लेट्स सी गाइस कैसा टेस्ट है क्या नहीं, हम आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहले देख लेते हैं ये कैसे बनता है। भैया ने अच्छा खासा प्रिकॉशन भी लिया है। यस, सेफ्टी को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिली है इधर, ग्लोव्स फोक्स पहन के ही बनाया जा रहा है। कोविड के लिए ये सब जरूरी है। करेक्ट, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी टेस्ट करने का टाइम आ गया, तो ये लड़कियों को देते हैं, वो लोग अच्छा टेस्ट करते हैं, लेते हैं क्या लगता है क्या नहीं, पूछते हैं उनसे। तीनों के तीनों टूट पड़े। मैं बड़ा स्कूप लूंगी क्योंकि मेरा पेट बड़ा है। सेम ही पर मेरा दिखाई नहीं देता। कैसा है फीडबैक? थोड़ा अच्छे से खाने के रुक ये लो, दो तीन स्कूप। ये तो सो गई खा के। एक्चुअली ये बहुत यूनिक है और फ्लेवर सब उभर के आ रहा है उसके नाम के हिसाब से, जो भी है उस हिसाब से फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। मतलब पता चल रहा है कि जो उसका नाम है वो जस्टिफाई कर रही है। ओके, ऑरियो चॉकलेट का 70 है और वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स है जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। तो तुम्हें क्या लगता है 70 rupees के लिए इनफ है? क्योंकि टेस्ट को देख के उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है पहली बात। ओके यस करेक्ट, पूरे करेक्ट। एंड ये काइंड ऑफ यूनिक है राउरकेला में और पहली फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये टेस्ट किया, उन्होंने बहुत मेहनत भी की है तो 70 rupees जस्टिफाई करता है। Okay. मेहनत को भी देखती है और उसके टेस्ट को भी देखती है। ओके, तो क्या लोगों को बोलेंगे यहाँ आके ट्राई करने के लिए? ऑब्वियसली।
तो गाइस आइसक्रीम तो हो गया, पेट तो बहुत भरा नहीं है, अभी भी कुछ इनफ जगह बचे हैं। अभी हम लस्सी ट्राई करेंगे, और रॉरकला सिर्फ गुपचुप के लिए फेमस नहीं है, लस्सी भी कभी ट्राई करके देखो जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लस्सी पीने के लिए आए हैं, और आप देख सकते हो ये बसंती का ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा बड़ा सिंघार। लस्सी के लिए बहुत फेमस है ये होटल, तो फिर मैं आपको होटल के अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ इनका लस्सी कैसे बनता है और कैसा टेस्टी है कि नहीं। लेट्स चेक इट आउट। गाइज ये रहा लस्सी जिसके लिए हम इतने देर से वेट कर रहे थे। ये बनाने की विधि आप देख लो, मैं इतने साल पुणे में रहा लेकिन यही लस्सी पीने के लिए मैं तरस गया, लेकिन पुणे में कि नहीं मिलता है यार। मैं मेरे अपने सारे पुणे के दोस्तों को बोलने वाला हूँ, ये होता है असली लस्सी। देखो कितनी सारी चीज़ें पड़ रही हैं। यहाँ पे दो तीन प्रकार के लस्सियाँ हैं जो अभी हमें डिटेल में एक कारीगर से बात करके पूछ लेंगे, आपको बता देंगे। नॉर्मल नहीं है देखो, ये जो डाल रहे हैं नारियल है राइट? यस। ओके देखो, ऊपर और टेस्ट बढ़ाने के लिए बॉर्नविटा भी डाला गया है। एक लस्सी का ग्लास बनाने के लिए भी इतना मेहनत लग रहा है, उसी से पता चल सकता है कि टेस्ट कितना शानदार होगा, जो कि अभी हम चख के आपको फिर से उसका फीडबैक भी देंगे। इतनी सारी चीजें दोस्तों, देख के मुंह में ही अभी से पानी आ रहा है। असली लस्सी इसे कहते हैं। ओके, तो ये जो था ये कौन सा था? ये गुलाब का दही वाला था। ओके, रबड़ी वाला था। ओके, दही रबड़ी। ओके, ये केसर बनेगा अभी, केसर वाला। ओ गॉड, इतनी सारी वैरायटीज। ओके, तो लस्सी में मलाई भी अलग से डाला जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसका नाम स्पेशल है। तो आप अगर यहाँ आते हो तो आपको इतनी सारी वैरायटीज के लस्सी मिलने वाले हैं, और आपका दिल करेगा कि सारे ही लस्सी ट्राई कर लो। बिल्कुल हमको भी ऐसा ही फील हो रहा है अभी, क्योंकि एक लस्सी पियेंगे तो मन में लगेगा कि भाई दूसरा ट्राई करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी ट्राई करने वाले हैं आज, और हम आपको बताने वाले हैं कैसा टेस्ट है सब। क्यों गाइस, मुंह में पानी आ रहा है ना? तो यहाँ के एक सेफ से बात करेंगे हम, और जानेंगे कि यहाँ की लस्सी इतनी फेमस क्यों है। सर आपका नाम? सुशांत। ओके सुशांत जी, बड़ा सिंघार की लस्सी क्यों स्पेशल है, दूसरों से क्यों स्पेशल कहा जाता है यहाँ की लस्सी को, जरा बता पाएंगे? इसमें हम लोग का बहुत कुछ सामान गिरता है। अच्छा, जैसे स्पेशल में आइसक्रीम, बोर्नविटा, काजू, किशमिश, खोआ, नारियल,
ये सब देख के बनाते हैं, इसीलिए हम लोग का सालों से ही चीज़ चल रहा है। तो यहाँ सबसे स्पेशल ज़्यादा किसकी डिमांड है आपके मुताबिक? दही लस्सी, राबड़ी लस्सी। ओके, दही लस्सी और राबड़ी लस्सी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ओके गाइस, फिर हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं कि सच में कितनी पावरफुल है ये लस्सी, कितनी डिमांड है इसकी। फर्स्ट इम्प्रेशन फटाफट, फीडबैक देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? सीरियसली। नेक्स्ट सुश्री मैडम क्या बोलती है देखते हैं। सही सही बोलना, मैं झूठ भी नहीं बोलती। ओके, टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, उस हिसाब से डिलीशियस भी है। और जो पिएगा भी वो जान भी पाएगा क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि सेम ही है, सारे फ्लेवर सही से और अच्छे से। ओके, और एक बात सुनना, यहाँ पे ना लस्सी को खाना भी पड़ता है, क्योंकि देखो नारियल मुझे कहा कि लस्सी पीते हैं भाई, खाते नहीं है। हम लोग के यहाँ पे लस्सी हम लोग खाते भी हैं और साथ में पीते भी है। देखो नारियल, काजू, किशमिश एंड चेरी, मलाई करेक्ट, इतनी सारी चीजें अगर हम पी तो नहीं सकते भाई, खा ही सकते। तो हम लोग खाने के साथ बेसिकली बड़े सिंगार में हम लोग लस्सी खाते भी हैं और साथ में पीते भी हैं। करेक्ट। अब लास्ट वाली मैडम को पूछेंगे उनका फीडबैक क्या है। मैडम लस्सी सबको पसंद है। अच्छा, सच में आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप इससे पहले कभी खाए हो लस्सी, पियो इधर? नहीं ना, ये फर्स्ट टाइम है आपका? ओके ग्रेट। तो गाइस अब हमारी बारी है टेस्ट करने की। मुझे पता है नो डाउट बहुत बेस्टी होगा। तो गाइस सीरियसली बहुत मज़ा आ गया। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा एक बार आके लस्सी ट्राई करो, अगर पसंद ना आया तो मुझे कॉल करना, मैं आपका पैसा वापस करवा दूंगा। इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत बेस्ट है। और आपको मैं एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लस्सी पीकर सबके फेस में ग्लो आ चुका है, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया और बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत अच्छी लस्सी भी पिया, एक आइसक्रीम भी खाया हमने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस कुछ नई चीज लेके आपके पास वापस हम आएंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय। तो हेलो बोल दीजिए। हाय, हेलो, कैमरा है। हाय, हेलो।